जानकारी के साथ रवि, तेज बारिश दिल्ली एनसीआर में भी और उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में देखी गई है। दिल्ली एनसीआर में कैसे इसका असर दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा असर है। कल से ही दिल्ली में जो है बूंदाबांदी हो रही है और मौसम बिल्कुल बदल चुका है। सबसे पहले मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि तस्वीरें पीछे की दिखाए। आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार बादल छाए हुए हैं दिल्ली में और सुबह से ही बारिश हो रही है और यही आलम कहीं ना कि पूरे एनसीआर का ही बना हुआ है। कल से लगातार जिस तरह से मौसम ने करवट ली है उसके बाद दिल्ली में ठिठुरन जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि एक तरफ दिल्ली वासियों को कोरोना सता रहा है तो दूसरी तरफ जो है बारिश ने भी दिल्ली वासियों को परेशान कर रखा है, मौसम खराब हो चुका है। हालांकि हवा गुणवत्ता के अनुसार अगर बात करें तो दिल्ली की हवा जो है इस बारिश की वजह से फिलहाल ठीक हो गई है, जो कि पिछले कई वर्षों से कहा जाए, कई महीनों से कहा जाए, लगातार हवा जो दिल्ली की खराब थी वो दो दिनों से हो रही बारिश से ठीक हो चुकी है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अभी इसी तरह का मौसम जो है दिल्ली में अभी लगातार बना रहेगा। तो एक तरफ दिल्ली में कोरोना है, वीकेंड कर्फ्यू है, दूसरी तरफ कल से बारिश हो रही है। हालांकि बारिश का बहुत ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो इलाके रिहायशी इलाके हैं और जो नीचे वाले इलाके, उन तमाम इलाकों में पानी भी भर चुका है। ऐसे में लोगों को दिक्कत तो हो ही रही है बारिश की वजह से और ठंड भी है, बढ़ चुकी है, ठिठुरन बढ़ चुकी है और लगातार ठंड हवा जो है दिल्ली में चल रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कत हो रहा है। शिवा जी, रवि, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इस बेमौसम बरसात को लेकर? देखिए, मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि ऐसा ही मौसम जो है दिल्ली एनसीआर में भी कुछ दिनों तक बना रहेगा, यानी कि दो दिनों का तो पहले ही मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था और दो दिन से लगातार बारिश जारी है और अभी भी मौसम विभाग का आगे कहना है कि भी इसी तरह का मौसम दिल्ली में बना रहेगा, बूंदाबांदी होती रहेगी, सर्द हवाएं दिल्ली में चलती रहेगी। हालांकि पिछले 20-22 सालों का रिकॉर्ड जो है जनवरी महीने में इस तरह का बारिश नहीं हुआ था, तो तकरीबन 22 वर्षों का रिकॉर्ड जो है इस बार टूटा है। जनवरी महीने में लगातार 48 घंटे से दिल्ली में बारिश हो रही है तो तापमान में गिरावट हुई है, ठिठुरन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और लोग हालांकि घर में ही कैद है क्योंकि दिल्ली में कर्फ्यू लगा हुआ है, तो ऐसे में लोग अपने घरों के अंदर कैद हैं, कोरोना भी लगातार बढ़ता जा रहा है और बारिश भी लगातार हो रही है, तो ऐसे में दिल्ली वासियों को परेशानी तो हो ही रही है। ठिठुरन भी बहुत ज़्यादा दिल्ली में बढ़ चुकी है, लोग अपने घरों में ठंड से बचने का बचाव कर रहे हैं और मौसम विभाग का ये कहना है कि इसी तरह का मौसम जो है दिल्ली में आगे कुछ दिनों तक और देखने को मिलेगा। रवि, आज का मौसम भी वहाँ पर किस तरीके का है? आज क्या वहाँ पर बारिश की संभावना है? बिल्कुल, देखिए सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है, कल भी मॉर्निंग से ही दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही थी, कल पूरे दिन बारिश हुई थी, बूंदाबांदी हुई थी और आज भी मॉर्निंग से ही दिल्ली और एनसीआर में जो है बूंदाबांदी हो रही है। कुछ इलाकों में हालांकि ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, कुछ इलाकों में कम है और कुछ जगह पर जल भराव की भी समस्या हो गई, कई सड़कें जो है जलमग्न हो चुके हैं और कई घरों में भी जल घुस गया, जो निचले इलाके हैं उन तमाम जगहों पर जो है जल भराव देखने को मिला है। और इसी तरह का जो मौसम है, अभी मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों तक लगातार चलता रहेगा, तो ऐसे में लोग जो है इस मौसम से ही बचे, क्योंकि इसी मौसम में जो है सबसे ज्यादा सर्दी, जुकाम, बुखार और तबीयत खराब होती है, तो ऐसे में अगर लोग अगर बीमार पड़ते हैं और दूसरी तरफ कोरोना की मार है तो कोरोना की भी चपेट में आ सकते हैं। तो ऐसे मौसम विभाग का भी कहना है और स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है, चिकित्सकों का भी कहना है कि इस मौसम में जितना ज्यादा लोग सर्दी जुकाम से बचे उतना बेहतर है, जितना ज्यादा घर पर रहें उतना ज्यादा उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। इसी बाबत दिल्ली में जो है दो दिनों का कर्फ्यू भी लगा हुआ है, वीकेंड कर्फ्यू लगातार जारी है और ऐसे में लोग तो घर के अंदर कैद हैं और कोशिश लोगों की भी है कि इस ठंड से किसी तरह से बचा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारियों के लिए आपका। तो ओलावृष्टि की तस्वीरें ये आपके सामने, जहां पर बारिश के साथ साथ अब ठंड से जनजीवन लोगों का अस्त व्यस्त होता हुआ, तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि भी अब ठिठुरन बढ़ा रही है। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर